रहमतल इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल आलमीन। मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद सिद्दीकी 23 दिसंबर 1933 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। मुजफ्फर वारसी नाद गोई में अपने मुनफरिद असलूब के बायस अदब की दुनिया में खास मकाम रखते थे। उनका यह असलूब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इनकी पहचान बना। उन्होंने मेरा पैगम्बर अजीम तर है और कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है जैसी अजीम नातों से अपना लोहा मनवाया। मुजफ्फर वारसी को शायरी की तारीख का अहम सतून और अहद हाजिर में उर्दू नात का इंतहाई मोतबर नाम समझा जाता। खामोशी पर भी कान धरे रहे, जिंदगी तेरे बोझ उठाता है उठाना है, जिंदगी तेरा बोझ उठाना है, पीठ पर आसमान धरे रहे। मुजफ्फर वारसी की शायरी अपने मुनफरिद असलूब और मौजूआत के अतबार से असर हाजिर के शायरों के लिए एक बड़ा चैलेंज रखती है। मुजफ्फर वारसी अपनी इनफरादी जिंदगी में एक बहादुर, नडर और बेबाक इंसान थे। इनफरादी हो या इज्तमाही जिंदगी, उन्होंने हर तरह खैर का प्रचार किया और दयानत दाराना राय में वतन और अहले वतन को बहुत कुछ दिया। 77 साल की उम्र में तवील अदालत के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफात से नादख्वानी में पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं हो सकेगा। ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज, लाहौर। पाका हर लम्हा पैगंबर लगे।